राजनीति में बयानबाजियां और बदजुबानी कोई नई बात नहीं है, और जब पूरी फिजा ही सियासी हो तो ये बयानबाजियां अपना स्तर और नीचे गिरा देती है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जैसे जैसे पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेता एक दूसरे पर सियासी हमले तेज कर रहे हैं। इसी बीच सीधी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो भाजपा उम्मीदवार और वर्तमान सांसद रीति पाठक को माल बता रहे हैं। अपने चुनाव प्रचार में नुक्कड़ सभा करने पहुंचे अजय सिंह अपने भाषण में रीति पाठक को निशाने पर लेते हुए कहते हैं कि रीति पाठक पिछले चुनाव में आई रही, उनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला, हवा बहुत रही, मोदी मोदी, सब जने 15 लाख के चक्कर में बह गए, बन गई सांसद। उन्होंने कहा कि सांसद बनने के बाद अपनों के बीच में लौट के नहीं आई और आगे तो आएंगी भी नहीं, और न ही अपने सांसद निधि से कोई काम कराया, तो भैया उनका तो आजमा चुके, वो ठीक माल नहीं बा, अब हम आए हैं, दाऊ साहब सेवा किए हैं कि नहीं। रीति पाठक जी पिछले चुनाव आए रही, उनका भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला, हवा बहत रही, मोदी मोदी, सब जने 15 लाख के चक्कर में बहेंगे मोदी के, बन गई सांसद। लेकिन सांसद बने के बाद अपना के बीच में लौट के आए कि नहीं? कभी नहीं, न लौट के आई ना आगे तो होबे न करी, न लौट के आई, न सांसद मत से कौनो चीज अपना के या गांव या बड़ौर में कही दी। तो भैया उनका तो अजमा चुके, वह ठीक माल नहीं बा, वह ठीक माल नहीं बा, वह ठीक माल नहीं बा, हम आवाज हैं, दाऊ साहबो सेवक ही नहीं कि नहीं, दाऊ साहबो सेवक ही नहीं कि नहीं, दाऊ साहबो सेवक ही नहीं कि नहीं, भाई को मिला हो या ना मिला हो, लेकिन सीधी संसदीय क्षेत्र में उनकर सेवा है कि नहीं है। वायरल वीडियो में अजय सिंह सीधी संसदीय क्षेत्र में अपने पिता अर्जुन सिंह के किए गए काम पर लोगों से वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अजय सिंह के इस बयान पर भाजपा उम्मीदवार रीति पाठक ने पलटवार करते हुए कहा कि अजय सिंह बहन बेटियों का सम्मान करना नहीं जानते, इसीलिए चुनाव में जनता सबक सिखाएगी।